आसोतर को असो थामा की नगरी भी कहा जाता है। अवध के नवाब सादत खान ने 278 साल पहले ही राजा भगवंत राय खीची की विश्वासघात से हत्या कराकर असोतर स्टेट को खत्म कर दिया था। इसके बाद असोतर अवध के नवाबों के आधिपत्य में चला गया। असोतर के राजा की समाधि आज भी शाखा गांव के समीप मोड़ चौरा में उनकी वीरता बयां कर रही है। कहा जाता है कि मुगल वंशज जहांदार शाह के पुत्र अजाउद्दीन की सेना ने जिले के खजुआ में भयानक युद्ध किया, जिसमें अजी के जिम्मेदार भगवंत राय खीची की मदद से फुरखजीर की सेना को विजय हासिल हुई और 11 जनवरी 1713 को जहांदार शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसके बाद भगवंत राय का दबदबा बढ़ा तो उसने अपने आप को असोतर स्टेट का राजा ही घोषित कर दिया। इसके बाद 1719 में भगवंत राय ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया। भगवंत राय की मित्रता छत्रसाल बुंदेला राजा मर्दन सिंह जैसे प्रभावशाली राजाओं से थी। कहा जाता है कि साल 1734 में प्रधानमंत्री वजीर आजम ने अपनी साले जानिसार खां को भगवंत राय को खत्म करने के लिए भेजा, लेकिन भगवंत राय ने बड़ी चतुरता से आक्रमण करने आए जानिसार को मार डाला और उसकी बेगमों को ले जाकर अपनी संबंधियों की शाह शादी करा दी। कहा यह भी जाता है कि जानिसार की पुत्री का विवाह अपने पुत्र रूप राय से कर दिया। जब इसकी सूचना कमरुद्दीन को लगी तो 17,000 सैनिकों के साथ 1737 में कमरुद्दीन ने गाजीपुर किले में धावा बोल दिया, लेकिन रात का समय था इसलिए भगवंत राय किला छोड़कर भाग निकले। यमुना में बाढ़ के कारण कमरुद्दीन उनका पीछा नहीं कर पाया और उसे वापस ही लौटना पड़ा। दिल्ली सरकार ने भगवंत राय को दबाने के लिए अवध के नवाब सादत खान नरवर को भेजा, जो कानपुर खजवा होते हुए गाजीपुर पहुंचा। किले के बाहर हथेमा गांव के समीप मुड़जौरा कुएं के मैदान में भगवंत राय ने 10,000 सैनिकों के साथ मुकाबला किया, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, लेकिन बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई। इसके बाद भगवंत राय को 14 परगनों का स्वतंत्र राजा मान लिया गया, लेकिन उसके बाद चौधरी दुर्जन सिंह ने पूजा करते समय भगवंत राय की हत्या कर दी और उसके बाद भगवंत राय की सेनापति भवानी सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया। तब से लेकर आज तक ये किला अपनी मनहूसियत को झेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें।